हे गाइस, अगर आप सभी लोगों को जो है पेटीएम के एप्लीकेशन में आपको इस तरीके से जब आप अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे लिखा रहता है बैंक अकाउंट ओपनिंग इज डिसेबल। तो अगर आपको जो है इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जब आप अपना बैंक अकाउंट जो है ऐड करते हैं तो फिर अपना अकाउंट यहाँ पे पेटीएम में बनाते हैं तब आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर गाइस आपको पेटीएम लिखना है और यहाँ पे आपको जैसे ही आप पेटीएम लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। अब चूँकि मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है तो मेरे में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और गाइज आप सभी लोग इसको डेफिनेटली जो है अपडेट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो है पेटीएम का जो लोगो है वो भी चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे आपको अपडेट ज़रूर करना है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तब आपको उस तरीके से प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप जो है यहाँ पे अपडेट करेंगे, पेटीएम का लोगो भी चेंज हो चुका है तो यहाँ पे इसका फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, तो आपको जो है सिंपली से जो है प्ले स्टोर में आके इसको जो है अपडेट कर लेनी है। तो उसके बाद गाइज आपको जो है इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।